polygon. The shorter T for polygon command is POL. Polygon command is basically used to draw equilateral closed poly lines. और इनके assess करने के method same जैसा मैंने previous command में आपको बताए थे, इसी तरीके से आप इस polygon को भी assess कर सकते हैं light from the button, ribbon, toolbar और the command line entry method. So in this way I am simply type a POL in command line and press enter. So now you will see here a message from the command line, polygon enter number of sides. अब आपको एक information मिल रही है, एक message आया है command line पे कि आपने number of sides बतानी है जो आपने polygon के लिए बनानी है. Polygon की minimum size जो है AutoCAD के अंदर वो 3 है और maximum 1024 तक आप polygons बना सकते हैं. तो here I am type a 5 and press enter. इट मीन्स कि मेरी जो पॉली लाइन है वो 5 होंगी. और अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, मतलब मुझे वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट से मेरी पॉलीगॉन स्टार्ट हो रही, सेंटर पॉइंट उस पॉलीगॉन का. तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रैंडमली इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया मुझे स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन आ गई है. अब मुझे उसका पॉलीगॉन के लिए मेथड बताना है कि मुझे इन स्ट्राइप सर्कल का मेथड यूज करना है या सर्कम स्ट्राइप अबाउट द सर्कल जो है वो मेथड यूज करना है. तो चलें पहले देखते हैं इन स्ट्राइप एंड सर्कम स्ट्राइप में क्या डिफरेंस है. बेसिकली जब आप इन स्ट्राइप सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रेडियस है, जो रेडियस की वैल्यू है वो सेंटर पॉइंट से पॉलीगॉन के जो कॉर्नर पॉइंट है, जो एज पॉइंट है, वहां तक मेजर हो रहा है लाइक दिस, जैसा आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इन स्ट्राइप. और एन अदर इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है इन स्ट्राइप सर्कल की कि पॉलीगॉन आपके सर्कल को टच करेगी और सर्कल के इन बिटवीन बनेगी, सर्कल के अंदर बनेगी. जबकि आप अगर सर्कम स्ट्राइप का मेथड यूज करेंगे तो उस सर्कम स्ट्राइप के मेथड के अंदर जो रेडियस की वैल्यू है वो सेंटर पॉइंट से पॉलीगॉन के सेंटर पॉइंट तक मेजर होगी रादर देन के वो उसके एज पॉइंट से मेजर हो और पॉलीगॉन सर्कल के बाहर बनेगी. तो चलें पहले हम इन स्ट्राइप सर्कल बना लेते हैं. तो मैं यहाँ पे इन स्ट्राइप सर्कल पे क्लिक करता हूँ और अब आप देखें कि जो मेरा कर्सर है वो फ्रीली मूव कर रहा है कि मुझे इसकी सेटिंग बतानी है कि मुझे इसको किस डायरेक्शन के अंदर रख के काटना है, एदर इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे एंड सो ऑन. तो मेरी जो साइज है वो यहाँ पे 5 गिवन है. तो अब मुझे यहाँ पे रेडियस बताना है. तो लेट्स स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ 2.5 and press enter and you will see the in-stripe polygon is created. So now let's repeat the same step but for the certain stripe case. So let's again select the center point and in this way I am going to select the setting method that is certain stripe. And now I have to specify this radius that is 2.5 and press enter and now you will see an other polygon is created with circumscribe method. अब एक और मैं method आपको circumscribe और inscribe के अलावा आपको बताना चाहूँगा. Polygon आप edge point से भी बना सकते हैं जिसके अंदर inscribe और circumscribe की जरूरत नहीं होती. इसके अंदर आप basically polygons की जो line की length है उसके बारे में बताते हैं कि वो कितनी होगी. तो चलें अब इस method पर try करते हैं हम. Again मैं अगर previous command को repeat करना चाहूँ तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करूंगा तो प्रीवियस कमांड मेरी अगेन रिपीट हो जाएगी. तो मुझे अब अगेन पहले नंबर ऑफ साइड्स बतानी है तो मैं 5 ही स्लाइड्स जो साइड्स हैं वो लिखूंगा और इसको एंटर प्रेस कर दूंगा. और अब मुझे सेंटर पॉइंट नहीं बताना, मुझे यहाँ से सेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करनी है डेट इज एज. अब यहाँ पे जो ब्लू कलर के साथ ई लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि ये इसकी शॉर्टकट की है. अगर मैं यहाँ पे ई लिख के एंटर कर दूंगा तो मेरा ये मेथड जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा और मीनवाइल मैं सिंपल अपने माउस से इस एज के बटन पे जब क्लिक करूंगा तो ये कमांड तब भी सिलेक्ट हो जाएगी. अब मुझे कमांड लाइन पे मैसेज मिल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज. तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया है. अब मुझे सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करना है एंड दैट इज दैट से समवेयर अराउंड लाइक दिस. तो ये मेरी अनदर पॉलीगॉन जो है वो क्रिएट हो रही है. तो ये मल्टीपल मेथड्स थे हमारे पास पॉलीगॉन को क्रिएट करने के, इन स्ट्राइप, सर्कम स्ट्राइप एंड द
edge method. So now it's for you. Pause the video and complete this activity number 6 polygon by using the polygon command. Okay, now let's move to another command, that is arc. Arc की shortcut A है और नाम से ही जैसे जाहिर है आप arc की मदद से different kind of arc जो है वो draw कर सकते हैं. Assess करने के method again आप button के through assess कर सकते हैं, ribbon, home tab, draw panel और 3 point या another जो भी आपको required arc है आप इस flyout में से select कर सकते हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट हम ये फ्लाई आउट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट ड्रा की कमांड है कि मतलब जो टैब है टूल बार है वहां से भी आप असेस कर सकते हैं और आप कमांड लाइन के ऊपर ए या फिर आर्ट लिख के भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. तो चले वन बाय वन इन सब आर्ट की जो मेथड है उनको देखते हैं कि हम किस तरीके से आर्ट को ड्रा कर सकते हैं. ये आ गया जी मेरे पास आर्ट का फ्लाई आउट. So I'm going to start with 3 point arc. 3 point arc की मदद से आपको अपनी स्क्रीन पे 3 point स्पेसिफाई करने हैं और फिर आपकी जो आर्क है वो by using these 3 points वो ड्रा हो जाएगी. So now let's get started. Simply click on 3 point arc and मैं यहाँ पे पहला पॉइंट अपना सेलेक्ट करने वाला हूँ और अब मुझे सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करना है और ये मेरा सेकंड पॉइंट है और अब मुझे अपना थर्ड पॉइंट सेलेक्ट करना है और ये देखें आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक दिस और ये देखें ये मेरी 3 point arc जो है वो ड्रा हो रही है. ओके नाउ लेट्स मूव टू एन अदर टाइप ऑफ कमांड ऑफ आर टाइप दैट इज स्टार्ट सेंटर एंड एंड. In this method, you have to first specify the starting point, then the center point, and the ending point. So now click on it. So अब सबसे पहले मैं यहाँ पे start point बताऊँगा और अब मुझे अपना center point बताना है. तो let's say ये मेरे पास इसका center point है और अब मुझे अपनी arc का ending point बताना है और इसके अंदर basically जो मेरी arc है वो at an angle पे लग रही है जैसा कि आपको screen पे preview भी आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे angle ये देखें 90 करूंगा तो ये 90 हो जाएगा और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ये आर्क मेरी लगती जा रही है. तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एंगल 85 डिग्री एंड टाइप करता हूँ और एंटर करूंगा और ये मेरी आर्क जो है 85 डिग्री के एंगल के साथ ड्रा हो जाएगी. नेक्स्ट मेथड इज स्टार्ट सेंटर एंड द लेंथ और यू कैन से अ कोड लेंथ. तो लेट्स से दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माई सेंटर पॉइंट एंड नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई इट्स कोड लेंथ. ये जो आपको स्क्रीन पे ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है नजर इसका मतलब ये है कि जितनी इस लाइन की लेंथ हो रही उस लाइन के लेंथ के एंडिंग पॉइंट तक आपकी ये आर्ट ड्रा हो रही. सो लेट्स टाइप इट्स लाइन लेंथ टू 6 एंड प्रेस एंटर एंड यू विल सी ये जो मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है वो 6 inches है या फिर मिलीमीटर जिसके अंदर भी आप काउंट करें. मैं फिलहाल इंचज के अंदर इसको ड्रा कर रहा हूँ. तो मेरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है टोड लेंथ है वो 6 inches है और यहाँ तक आपकी आर्क ड्रा हो जाएगी. नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टार्ट एंड एंड द एंगल. तो फर्स्ट आई एम सेलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई द एंडिंग पॉइंट एंड नाउ आई हैव टू टेल द एंड पॉइंट. अब एंड पॉइंट की सूरत में आप देख सकते हैं कि मेरी आर्क इस तरीके से एंगल जो है वो बनाएगी बट बाई यूजिंग दिस लेंथ ये जो ऑरेंज की लाइन आपको नजर आ रही है इसकी मदद से आप इसको स्पेसिफाई करेंगे इसका एंगल. और अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं इस आर्क की तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें और उसके बाद आप अपने माउस से कंट्रोल का बटन आप प्रेस करेंगे और अब आप अपने माउस की मदद से और स्क्रीन पे आपको लाइव प्रीव्यू मिल रहा है कि जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते जाएंगे आपकी जो आर्क है वो उसी के हिसाब से बिहेव करेगी. तो नेक्स्ट रिलीज द कंट्रोल की एंड टाइप एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एंड प्रेस एंटर एंड यू विल सी योर आर्क इज रेडी. ओके नाउ नेक्स्ट मेथड इज स्टार्ट एंड एंड द डायरेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट हियर स्पेसिफाई द एंड पॉइंट एंड नाउ एल इस डायरेक्शन और ये देखें
जैसे आप उसको अपनी डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे वो उसी के हिसाब से इसको ड्रा करेगा, और अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट मेथड इज स्टार्ट एंड एंड द रेडियस। स्टार्ट एंड एंड नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई इट्स रेडियस वैल्यू, और लेट्स से आई टाइप इट्स रेडियस टू 5, प्रेस एंटर एंड यू विल सी एन आर्क इज क्रिएटेड। सो नेक्स्ट मेथड इज सेंटर स्टार्ट एंड द एंडिंग पॉइंट। सो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट, नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट एंड फाइनली आई हैव टू टेल इट्स एंडिंग पॉइंट। Like this. Okay. Now let's first clean these mess up by simply using the delete key, or you can use to click right click and click the erase button. Okay. Next method is center, start and angle. So here I am select the center point, start point and now angle. So let's make an angle of 45 degree. Next, second last method is center, start and length. Center, start and now I have to specify its length. You can shift its direction by pressing the control T. And the next method is continue. इस कमांड का पर्पस ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आपकी कमांड लगेगी वो इसी की कंटिन्यूशन में ड्रा होगी लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं दोबारा इसी कमांड पर क्लिक करूंगा तो ये इसी की कंटिन्यूशन के अंदर जाएगी। So in this way you can design different kinds of continuous arc types. So it's all about polygon and arcs. So as I told you before, you can press the control T to change the direction of arc. Now pause the video and complete it.